Greetings all. Welcome back to Raj Malhotra's IAS and continuing with our Vigyaan series, हम साइंस के करंट अफेयर्स के टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं. मेरा नाम है जांशेर सिंह पड्डा और मैं राज मल्होत्रा IAS टीम के साथ जुड़ा हुआ हूँ. आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2019 जो रिसेंटली लॉन्च हुआ था. तो इसके अंदर हम क्या क्या कवर करेंगे कि थोड़े से हम जनरल फैक्ट्स देख लेंगे कि ये इंडेक्स किस चीज़ से डील करता है, कौन सी मिनिस्ट्रीज के अंदर इन्वॉल्व है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर इन्वॉल्व हैं. फिर हम थोड़े से इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स देखेंगे जो आपके प्री के क्वेश्चन के अंदर ऑप्शंस बन के आ सकते हैं. और फिर हम कुछ टेकअवेज देखेंगे जो स्टेट्स को बोले गए हैं. तो ये आपका थोड़ा सा मेंस के अंदर काम आएगा, ये प्री की तरफ ज़्यादा फोकस होगा. ठीक है, सो लेट्स बिगिन. तो जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी अलॉन्ग विद मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, तो ये दोनों मिनिस्ट्रीज हैं जो आपकी एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स के अंदर इन्वॉल्व हैं. तो अगेन आपको क्वेश्चन आ सकता है द मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व एंड 1, 2, 3, 4 जो ऑप्शंस होंगी उनमें से ये ऑप्शंस हो सकती हैं. सो बी वेरी केयरफुल. इसके अलावा ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स जो कि एक गवर्नमेंट एंटिटी है वो इन्वॉल्व है इसके अंदर. एंड एक एनजीओ है, नॉट फॉर प्रॉफिट है, अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंसी एफिशिएंट इकोनॉमी. तो ये चार लोग हो गए या फिर चार ऑर्गेनाइजेशंस हो गई जो कि इस इंडेक्स के क्रिएशन में इन्वॉल्व हैं. उनमें से तीन गवर्नमेंट एंटिटीज हैं, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी. जबकि जो ACEE है ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट है. एंड दिस इज, और ये जो नॉट फॉर प्रॉफिट है ये इंडिया की अकेली ऑर्गेनाइजेशन है जो एनर्जी एफिशिएंसी की अवेयरनेस क्रिएट करने में काम कर रही है. सो ये एक इम्पॉर्टेंट डेटा पॉइंट है कि ये अकेला नॉट फॉर प्रॉफिट है इंडिया के अंदर जो इसकी तरफ काम कर रहा है, एनर्जी एफिशिएंसी की तरफ. अब जो इंडेक्स है उसके अंदर 5 सेक्टर हैं जिनको कवर किया गया और इसके जो इंडिकेटर्स हैं वो हैं तो टोटल 97 जो हम आगे भी देखेंगे. तो ये जो 5 मेन सेक्टर्स हैं जिनको कवर किया गया वो कौन से हैं, बिल्डिंग्स, इंडस्ट्री, म्यूनिसिपैलिटीज, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर एंड डिस्कॉम्स एंड क्रॉस सेक्टर. तो क्रॉस सेक्टर का मतलब है कि अक्रॉस सेक्टर्स भी कवर किया गया है. तो हम देख सकते हैं डिस्कॉम्स और एग्रीकल्चर तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्रीकल्चर में आपके जो पंप्स यूज होते हैं वाटर पंप्स होते हैं और डिस्कॉम्स का आप जानते हो कि काफ़ी इश्यूज चल रहे हैं, उसके लिए स्कीम्स भी लॉन्च करी हैं उनको ठीक करने के लिए. ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, वहाँ पे सारा फ्यूल यूज होता है तो वो एनर्जी के साथ बहुत ज़्यादा डील करता है. म्यूनिसिपैलिटीज हो गई, वो वही बड़े शहर जहाँ पे बहुत सारे लोग, एक डेंस यू नो पॉपुलेशन डेंस सिटीज होती हैं ये, तो वहाँ पे सबको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, हीटिंग एंड एसी एंड ऑल ऑफ दैट. इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा एनर्जी खाती है आप जानती हो, क्योंकि जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग है उसके लिए जो भी मशीन्स हैं उनकी ज़रूरत है. एंड बिल्डिंग्स देखो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट का भी काम करती हैं और भी इश्यूज आते हैं, तो इनके डिज़ाइन को अगर हम ऑप्टिमाइज कर दें तो उससे उतनी एनर्जी कम होती है और उतना रेन वाटर हार्वेस्टिंग और सस्टेनेबल डेवलपमेंट बढ़ सकता है. अब ये जो इंडिकेटर्स हैं ये दोनों क्वालिटेटिवली भी मेजर कर रहे हैं और क्वांटिटेटिवली भी मेजर कर रहे हैं कि हम एनर्जी को कैसे यूज कर रहे हैं. एंड फाइनली आउटकम बेस्ड, कि भाई जो भी आपने ये मेजर्स लगाए उसका आउटकम वही है जो हम चाहते हैं या फिर आउटकम खराब आ रहा है, या आपने इनपुट तो बहुत डाला पर आउटकम उसका कुछ भी नहीं निकला. तो इसलिए आउटकम बेस्ड है कि भाई फाइनल रिजल्ट सही है या गलत है. और ये दोनों क्वांटिटेटिवली भी देख रहा है कि भाई एक्चुअल नंबर्स में कितना कम हुआ और क्वालिटेटिव भी देख रहा है कि भाई किस तरह की पोल्यूशन कम हुई. क्या हमने एक ज़्यादा कम पोल्यूशन को कम करने के चक्कर में ज़्यादा तकड़ी पोल्यूशन तो नहीं शुरू कर दी, तो ये ऐसे चेक कर रहा है. तो कॉम्प्रिहेंसिव इंडेक्स है ये आपका. अब हम थोड़े से इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स देख लेते हैं जो इस इंडिकेटर के अंदर आते हैं. तो 97 इंडिकेटर्स हैं जिनको 5 सेक्टर्स के अंदर डिवाइड किया गया है. और उसके अलावा स्टेट्स को कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं हम, फ्रंट रनर, अचीवर, कंटेंडर और एस्पिरेंट. तो फ्रंट रनर सबसे ऊपर, उसके नीचे अचीवर, उसके नीचे कंटेंडर और लास्ट में एस्पिरेंट. अब इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट बात है जो अगेन आपके प्री में पूछी जा सकती है वो है कि हरियाणा, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश
उत्तराखंड और यूटीज के अंदर आ गया पुडुचेरी और चंडीगढ़। ये प्रोग्रेसिव स्टेट्स इंडिकेट किए गए हैं एज इन ये सबसे अच्छे स्कोरर्स हैं इस इंडेक्स के ऊपर। अब हम थोड़ा सा ग्राफ में भी देख सकते हैं कि देखो फ्रंट रनर का जो स्कोर है वो 60 से ज़्यादा है, अचीवर का जो स्कोर है वो 50-60 है, कंटेंडर का 30-49 और एस्पिरेंट जो स्टेट्स हैं उनका लेस देन 30 स्कोर आएगा। और हम यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि कौन कौन से स्टेट्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं अच्छा परफॉर्म कर रहे, और अक्रॉस द फाइव इंडिकेटर्स हमने देखना है। तो आप देख सकते हो पॉलिसी एंड रेगुलेशन का सबसे ज़्यादा वेटेज है मोस्ट स्टेट्स के अंदर। पंजाब के अंदर एनर्जी सेविंग्स काफ़ी अच्छी चल रही हैं, तो ये इंडिकेटर इन चीज़ों को प्रमोट कर रहा है। अब इसके अलावा जो ये अचीवर कंटेंडर फ्रंट रनर एस्पिरेंट है इसको किस बेसिस पे हमने डिवाइड किया है वो है एग्रीगेटेड टोटल प्राइमरी एनर्जी सप्लाई, कि भाई जितनी भी एनर्जी चाहिए स्टेट को अपनी जितनी भी ये पांचों सेक्टर के अक्रॉस उसको जब मिला देते हैं तो हम देखते हैं कि ये इंडिकेटर के ये इंडेक्स के इंडिकेटर्स उसको मेजर करते हैं। और लास्टली आज हम देखेंगे कि जो की टेकअवेज हैं स्टेट्स के लिए कि ये जो इंडेक्स है इसका जो भी डेटा है वो फाइनली क्या बोलना चाहता है कि भाई स्टेट्स को कहाँ पे और कितना काम करने की ज़रूरत है। तो तीन मेन टेकअवेज हैं, वो हैं कि स्टेट्स हैव टू प्ले अ प्रोएक्टिव रोल इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। प्रोएक्टिव रोल का मतलब है कि देखो इंतज़ार मत करो किसी दिक्कत के खड़े होने का, आप पहले डेटा इकट्ठा करो और फिर प्रिडिक्ट करो कि मोस्ट प्रॉब्ली आपकी प्रॉब्लम्स कहाँ आएंगी और उसके लिए पहले ही एक पॉलिसी फॉर्मुलेट कर दो और उसे इम्प्लीमेंट कर दो। तो हमें ये शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये जो इंडेक्स है ये क्या कह रहा है स्टेट्स को कि देखो जो आपकी पॉलिसीज पहले ही हैं वो तो चल रही हैं उनको इम्प्लीमेंट करो, वो तो चल रही हैं पर उनको इम्प्लीमेंट करो। कि देखो एक तो जो चल रही है पॉलिसी वो अच्छी है, पॉलिसी में कोई दिक्कत नहीं है पर उसकी इम्प्लीमेंटेशन में जो इश्यूज हैं उनको आप फिक्स करो और नई पॉलिसीज फॉर्मुलेट करो ताकि आप प्रोएक्टिवली जो भी दिक्कतें आई भी नहीं है अभी उनको टैकल करने की पोजीशन में हो। दूसरा है कि डेटा गैदर करो अच्छी तरह से करो, जो आपके फिलहाल मैकेनिज्म्स हैं डेटा कैप्चर करने के कि कितनी पोल्यूशन हो रही है कहाँ से पोल्यूशन हो रही है वो एडिक्वेट नहीं है, उनको इम्प्रूव करो और फिर इसकी मैनेजमेंट और पब्लिक अवेलेबिलिटी करो कि भाई जो भी डेटा आप इकट्ठा कर रहे हो उसको लोगों के साथ शेयर करो और एक ऑर्गेनाइज वे में शेयर करो ताकि बाहर के जो इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे बाहर के एनजीओज हैं या फिर थिंक टैंक्स हैं वो उस डेटा को यूटिलाइज करके आपको पॉलिसी फॉर्मुलेशन में मदद करें। तो जो हमारा सेकेंड पॉइंट है वो फर्स्ट पॉइंट की एड में आता है। तो एसडीए जो कह रहा है कि वेरियस स्टेट डिपार्टमेंट्स को उन्होंने कॉन्टैक्ट किया डेटा गैदर करने के लिए पर वहाँ पे जो मशीनरी है वो इतनी अच्छी नहीं थी। तो ये कह रहे हैं कि अगर स्टेट डिपार्टमेंट से नहीं हो रहा तो हम प्राइवेट सेक्टर में शिफ्ट भी कर सकते हैं ताकि एक अच्छा मैकेनिज्म हो, रोबस्ट मैकेनिज्म हो, तकड़ा मैकेनिज्म हो एनर्जी डेटा की मैनेजमेंट के लिए ताकि वो ऑर्गेनाइज भी हो जाए, कलेक्ट भी हो और फिर एफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूट भी हो ताकि लोग पॉलिसी फॉर्मुलेशन ज़्यादा आसानी से कर पाएं। और जो लास्ट टेक वे है वो है कि इनहेंस द क्रेडिबिलिटी ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी स्कीम्स, कि भाई जितनी भी एनर्जी एफिशिएंसी स्कीम्स आपने डाली हैं वो कॉमन कंज्यूमर तक पहुंचाओ और उन्हें समझाओ कि भाई देखो ये जो स्कीम है ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपनाएं और उसे ठीक से अपने भी एफर्ट्स डालें उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, तो यही फिर से कहा जा रहा है कि भाई इम्प्लीमेंट करो, कि स्टेट्स को बोला है कि इन्फोर्समेंट दिखाओ, कंप्लायंस चेक करो कि लोगों को पहले तो पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट दो कि भाई आप लोग भी एनर्जी बचाने की कोशिश करो क्योंकि सबका फायदा है इसके अंदर। और उसके बावजूद अगर लोग नहीं कर रहे हैं तो फिर आप कंप्लायंस चेक करो, तो अपने ऑफिसर्स को भेजो, अपने लोगों को भेजो ताकि चेक कर सकें वो, इंडिपेंडेंटली मॉनिटर करवाओ और वेरीफाई करो कि लोग सेविंग कर रहे हैं इंडस्ट्री में भी, बिल्डिंग्स में भी एंड अक्रॉस ऑल द फाइव इंडिकेटर्स, कि लोग जो आप पॉलिसी इंप्लीमेंट करना चाहते हो उसे उसी स्पिरिट में इंप्लीमेंट कर रहे हैं। सो दिस इज एन इंडिकेटर।
और इसके साथ आपके जो जितने भी मेन पॉइंट्स हैं इस इंडिकेटर को लेके वो सारे कवर हो जाते हैं. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.